स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एस, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू क्लियर द यूपीपीसीएस 2024। किस तरीके से हम जो है यूपीपीसीएस 2024 को देखें, क्या करें, किस तरीके से पढ़ें। देखो, ये जो स्ट्रेटजी मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे करना है, किस तरीके से मतलब हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तो वो थोड़ा सा आपको बताऊंगा, आइडिया लग जाएगा आपको। आप कोई भी पीसीएस तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि यूपीपीसीएस वाला बच्चा जो है वो एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहा हो, एमपीपीएस का एग्जाम भी दे रहा हो सकता है वो बिहार पीसीएस का भी एग्जाम दे रहा हो, हिंदी स्टेट्स का एग्जाम दे रहा हो, और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और अगर आप लोकल एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो क्या वो चीज़ें हैं, क्या किन चीज़ों के ऊपर हमने ध्यान देना है, कैसे हम इसकी चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो हम बात करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, यूपीसीएस का जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तीन स्टेजेस हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तीनों में से किसी भी स्टेज से बाहर निकल के अगर हम आ गए तो अगेन हमें पहली स्टेज पे दोबारा जाना पड़ता है। प्रीलिम्स निकल गया, मेंस पे पहुंचे, मेंस रह गया, अगेन दोबारा से प्रीलिम्स पे आ जाओगे। प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू में पहुंच गए, इंटरव्यू रह गया, फिर अगेन प्रीलिम्स पे आ जाओगे। सो इसका मतलब हमारे लिए तीनों पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो तीनों पार्ट्स, हमें तैयारी कैसी करनी है, कैसे हम जो है आगे बढ़ सकते हैं इस प्रेपरेशन में, किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं। देखो, प्रीलिम्स का जो फोकस होता है ना, वो ऐसे होता है कि मतलब जैसे अगर मैं कहूं कि मैं प्रेपरेशन कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं कहूं कि हम प्रेपरेशन कर रहे हैं, मतलब हमने तैयारी स्टार्ट करी, प्रेपरेशन हमने स्टार्ट करी, ठीक है, और हमने जब प्रेपरेशन स्टार्ट करी तो प्रीलिम्स मैं कैसे तैयार करना है, किस तरीके से तैयार करना है, इसके आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? शॉर्ट नोट्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं की पॉइंट्स, की पॉइंटर्स, ये सब चीजें आपके पास होने चाहिए। ओके, और मेंस की आपकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस है वो आपने करी होनी चाहिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको रोज लिखना ही लिखना है, तैयार करना ही करना है, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू वाला सेशन। ये इंटरव्यू पे भी मैं एंड में पहुंचूंगा, कैसे हम इसको इंटरव्यू को भी देख सकते हैं। देखो, क्या होता है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्रेपरेशन कर रहे हो, तो तीन स्टेजेस हैं और तीनों में तीनों ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। अब यहां पे क्या होता है कि जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करी जा रहे हैं, हमें बस ठीक है पढ़ लिया, मॉक टेस्ट दे दिया और निकल गए, ठीक है, चलो जी प्रीलिम्स की तैयारी पहले करेंगे और फिर जब एग्जाम हो जाएगा, चलो ठीक है मेंस का आ गया, अब मेंस का पढ़ेंगे, मेंस के आंसर राइटिंग अब करेंगे। ऐसा नहीं होता, आपको ये दोनों चीजें जो है ना साथ साथ आपको लेनी होती है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ साथ लेके चलना होता है। आपको डेली एक आंसर राइटिंग लिखनी पड़ेगा, मतलब एक एमसीक्यू लिखा, एक जो क्वेश्चन है वो आपको लिखना होगा, 100% लिखना होगा। ये जो मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिसेस जब छोड़ी जाती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट जब आपका आ जाता है तब छोड़ी जाती है, यानी कि वो एक दो महीना पहले जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है तो उससे पहले आप छोड़ देते हो। लेकिन ऐसे है कि अगर मैं कहूं अभी आपकी प्रेपरेशन में, और जब आप प्रिपेयर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और यूपीपीसीएस का एग्जाम लेट सपोज कि 6 महीने बाद है, 8 महीने बाद है, 10 महीने बाद है, 1 साल बाद है, तो आपने क्या करना है, अगर 1 साल बाद है ना, तो इट मींस आप लोगों को 10 महीने प्रैक्टिस करनी है, 9 महीने आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, डेली एक आंसर लिखना ही लिखना है। 9 महीने का मतलब क्या हुआ, 30 के मल्टीपल पर अगर हम चलते हैं तो 270 डेज, तो 270 क्वेश्चंस आपने लिख लिए मेंस आंसर राइटिंग के, 270 जो है आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। हर जो वर्ड जैसे जैसे एग्जामिनर पिक करता है, उसी तरीके का वर्ड जो है आपने लिखा है, कौन समझ में आया, उसी तरीके का वर्ड आपने वो लिख दिया है कि हाँ यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्रिटिकल एनालिसिस, डिस्कस, इवेल्युएट, ये सारे वर्ड आपने देख लिए हैं, और किस तरीके से आपके ये आते हैं चीजें वो भी आपने देख ली है। नाउ द थिंग इज, नाउ द क्वेश्चन इज,
कि अब जब आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो ना, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो ये प्रैक्टिस करना, तो ऑब्वियसली बात है जब ये चीजें आपकी चल रही हैं, पहले दिन गलत होंगी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, गलतियों से ही बंदा सीखता है ना। अब जब सीखते सीखते 270 टाइम्स आप ये चीजें गलतियां भी कर गए होंगे, तो आपको एक चीज का आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअल में आंसर लिखना क्या है। और एक्चुअल में अगर मैं पहले दिन में 500 वर्ड्स लिख रहा हूं, तो मुझे धीरे धीरे 100 या 200 वर्ड्स में कैसे आना है। ओके, अब ये प्रैक्टिस से होगा। अगर आप कहोगे कि मैं प्रीलिम्स निकाल के बैठ जाऊं, मेंस के टाइम पे जो है मैं ये आंसर लिखने स्टार्ट करूंगा, तो देन दैट्स द रॉन्ग थिंग। मतलब वो बैड स्ट्रेटजी है आपकी, वो गलत स्ट्रेटजी है आपकी। आपको डे वन से ही लिखना पड़ेगा आंसर, ठीक है। तो ये चीज तो होगी जी मेंस के लिए। अब बात यहां पे आती है प्रीलिम्स के, ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे, कैसे बनाए जाते हैं, तो इनमें आपको की पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। अब सोचते हैं काफी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, मैंने भी गलतियां करी हैं ये वाली, ठीक है ना। क्या होता है कि हम बुक पढ़ रहे हैं, बुक पे उस पर अंडरलाइन करते चले जाते हैं और करते चले जाते हैं, बस ठीक है एंड टाइम पे ये चीजें रिवाइज कर लेंगे। ये मैं भी करता था और आप भी कर रहे होंगे, 100% कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज गलत है। वो जो आप अंडरलाइन कर रहे हो ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये है कि उसके वो शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाओ साथ साथ में, उनके जो की पॉइंटर्स हैं वो इधर कॉपी पे लिखते चले जाओ। वो पॉइंट्स जो होंगे ना, वो आपको एंड टाइम में रिविजन में हेल्प करेंगे। एंड टाइम पे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स आपके सिर पे है, तो आप वो 7-8 बुक्स खोल के नहीं बैठोगे। अगर 7-8 बुक ऐसे दिखेंगी ना, तो आपको लगेगा अरे यार इतना पढ़ना है, तो आपका मोराल उसी टाइम ही डाउन हो जाता है। तो वो जो पॉइंटर्स जो आपने लिखे हैं कॉपी में, पेजेस में, A4 साइज पेपर ले लो, बना लो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे बना लो, तो वो पॉइंटर्स जो हैं आपको एंड टाइम में फटाफट रिवीजन करने होते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रीलिम्स के जो मैंने आपको बताया कि आपको जैसे कोई एक टॉपिक हुआ, उसका एक टेस्ट दे दो, ठीक है, बुक से ले लो, बुक्स उठा लो मार्केट से, कोई भी ले लो बुक्स, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम हो, और इतनी जहान भर की बुक्स आ रही हैं मार्केट में, वहां से ले लो, क्या दिक्कत है। तो यहां पे आपका ये चीज तैयार होती चली जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात है मेंस आंसर राइटिंग मैंने आपको बता दी कि डेली आपको एक आंसर लिखना है, जिससे आपकी प्रेपरेशन और भी अच्छे से हो पाए। ओके, अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि हाउ वी विल हेल्प, मतलब हम कैसे आपको हेल्प करेंगे यूपीपीसीएस एग्जाम में, यूपीपीसीएस 2024 के एग्जाम में किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे, और ये बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कैसे बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, देखिए अब यहां पे देखिए जी, अगर मैं बात करता हूं आप लोग, हमने यूपीपीसीएस का लाइव प्री प्लस मेंस बैच लॉन्च किया है, और इस बैच में आपको क्या क्या कंटेंट मिलेगा, क्या क्या चीजें मिलेंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, बट समझ लेना, सुन लेना ध्यान से। जब आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है मैंने पहली स्टार्टिंग में बोला है प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, इंटरव्यू पे मैंने बोला था मैं एंड में आऊंगा, मैं बताऊंगा तुम्हें। अब यहां पे देखो जी, आप लोगों को इस बैच में आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है, ध्यान से समझना है। यहां पे आपको 1000 hours प्लस लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और ये जो लेक्चर होंगे ना इंग्लिश में होंगे। अब आप में से कोई बच्चा हिंदी मीडियम का बैठा होगा, कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का बैठा होगा, तो ये कैसे होगा? यहां पे जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं इसी तरीके से टीचर पढ़ाएगा, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके ऐसे बोल के, ठीक है। और स्क्रीन के ऊपर आपको इंग्लिश भी दिखेगी, हिंदी भी दिखेगी। पॉइंट समझ में आया? स्क्रीन के ऊपर आपको इंग्लिश भी दिखेगी, हिंदी भी दिखेगी, और जो आपको पीडीएफ्स जो मिलेंगी वो भी आपको बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश भाषा में मिलेंगी। इंग्लिश का मतलब क्या है? इंग्लिश में और हिंदी में मिलेंगी। जो बच्चा जिस भाषा में कंफर्टेबल है वो अपना वो डाउनलोड करके अपना चला लेगा, अपना काम चला लेगा वहां से। तो सर ठीक है, सर टॉपिक पढ़ा दिया आपने, जो भी है वो हमें पीडीएफ मिल गई, अंग्रेजी भाषा वाले डाउनलोड कर लेंगे, हिंदी वाले डाउनलोड कर लेंगे। सर आप डिफरेंट कैसे हो रहे हैं, बाकियों से डिफरेंट कैसे हो रहे हैं? डिफरेंट हम ये हो रहे हैं कि जो आपकी वो पीडीएफ होगी वो आपके मेन्स आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। लेकिन आपने तो सर बोला था कि प्रीलिम्स के लिए आपके नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, तो प्रीलिम्स के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हैंड रिटन क्लास नोट्स। ये हैंड रिटन क्लास नोट्स क्या है? जो मैंने आपको बोला था की नोट्स होने चाहिए, की पॉइंटर्स होने चाहिए, की पॉइंट्स, उस लेक्चर के की पॉइंट्स यहां पे आपको मिलेंगे।
आपको कभी लगा कि ठीक है यार इसमें कुछ ऐड करना चाहिए तो कर दो ऐड एक आधा पॉइंट, जो भी आपको लगा कहीं बुक से पढ़ा कोई एमसीक्यू करके अटेम्प्ट किया तो कर दो ऐड, यहाँ पे क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हैंड रिटन नोट से आपके प्रीलिम्स की तैयारी होती चली जा रही है और जो आपको पीडीएफ मिल रही है उसमें आपको मेंस आंसर राइटिंग आपकी चीजें चल रही है। प्लस यहां पे ये भी चीज है कि आपको इस लेक्चर का पूरा डेटा मिल गया, ठीक है वो हो गया जी। उसके बाद यहां पे और क्या चीज मिलने वाली है, हर क्लास के बाद जैसे मैंने लेट सपोज मैंने आपको पढ़ाया जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, लेट सपोज ज्योग्राफी में मैं या किसी और टीचर ने आपको पढ़ाया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से अगर कोई भी एक क्वेश्चन निकलेगा आपका तो हम आपको देंगे मेंस राइटिंग के लिए। अब आप उसमें यूज कैसे करेंगे, बुक का पीडीएफ आपके पास आ गई है, की पॉइंटर्स आपके पास आ गए हैं, दोनों आ गए हैं, टीचर ने आपको समझा दिया है, तो इसका मतलब तीन चीजें आ गई हैं यहां पे आपके पास। अब आपने क्या करना है उसमें से वो चीजें पिक करनी है, वो लिखना है। आप पहले अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे, अब वहां पे कोई दिक्कत होगी तो टीचर आपके पास है और टीचर आपको बताएगा कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना होता है, ऐसे नहीं ऐसे लिखना होता है, वो आपको बताएगा, ठीक है। फिर भी मैं कहता हूं कि अब देखो क्या होगा, तुमने टेस्ट आंसर लिख दिया, सबमिट कर दिया ऐप में, वेबसाइट पे सबमिट कर दिया, अब उसके बाद क्या होगा, टीचर ने आपको बता दिया कि इस इन चीजों में ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो जी क्या होगा कि अब यहां पे जो आपने आंसर लिखा आपको पता लग जाएगा कि गलतियां यहां पे हैं, ये गलतियां हैं, ये गलतियां हैं, ये गलतियां हैं, पता लग जाएगा। अब सीधी सी बात ये है, मैंने कहा कि यहां पे बहुत सारे बच्चे भी बैठे होंगे, यहां पे आपके ऐसे स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे, यार हो सकता है 500 बच्चा बैठा हो सकता है 200 बच्चा बैठा हो सकता है 100 बच्चा बैठा हो। अब टीचर अगर वो एक एक बच्चे की कॉपी पढ़ेगा तो इसका मतलब तो दो दिन निकल जाएंगे हमारे, क्योंकि दो या ढाई घंटे की क्लास होगी तो दो दिन निकल जाएंगे वो 100 के 100 बच्चों का जवाब देने में। सर मेरी हेल्प कैसे हुई, मैं कैसे हेल्प कर ले, मेरी हेल्प कैसे हुई, मैंने अगर लिखा है तो मुझे कुछ पूछना है तो मैं अगर उन 100 में से नंबर मेरा ना पहुंच पाया सर के पास तो मैं क्या करूंगा। आपको इसीलिए हमने आपको प्रोवाइड किया है 1-to-1 मेंटोरशिप 24/7। आप इस पर्सन से, इस टीचर से, इस मेंटोर से 24/7 कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। लेट सपोज मैं मान के चलता हूं कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम आया टीचर तक ना पहुंच पाया, किसी कारणवश ना पहुंच पाया, तो आपके पास ये मेंटोर जो है 24/7 है, आपको लेक्चर का रात को 12 बजे 1 बजे सुबह के 5 बजे दोपहर के 11 बजे 2 बजे कुछ भी डाउट निकल आता है तो आप इस मेंटोर को अपना डाउट बताएंगे, ये मेंटोर आपको उसका सोल्यूशन देगा। ओके अब चाहे आप उसमें कॉन्सेप्ट पूछ लो, चाहे आप उसमें प्रीलिम्स का पूछ लो, चाहे आप उसमें मेंस का पूछ लो, तो सब आपकी जो है एक होलिस्टिक अप्रोच होगी कि कभी भी मैं बैठूं मेरे लिए मेंटोर तैयार बैठा है, मेरे लिए मेंटोर तैयार बैठा है, मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं मैं इनसे पूछ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है 6 से 8 महीने प्रेपरेशन में लगेंगे, 6 से 8 महीने जब हम प्रेपरेशन करते हैं ना तो उस टाइम पे हमें इतने डाउट्स नहीं आते, मैं आपको क्लियर कर दूं उस टाइम में इतने डाउट्स नहीं आते क्योंकि हम एक फ्लो में चल रहे होते हैं, टीचर से रोज मिलना है, टीचर पढ़ा रहा है, कोई डाउट नहीं इतने आते। डाउट कब आते हैं, जब हम 6-7 महीने बाद जब हमारा बैच खत्म हो जाता है ना उसके बाद हम सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी में हम मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट मेंस के आंसर भी लिखेंगे और प्लस लेक्चर्स भी दोबारा से सुनेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है। तो उसमें डाउट्स निकलते हैं हमें, यार ये क्या पॉइंट था, तो उसके लिए टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। क्या करोगे, टीचर से कैसे हेल्प लोगे, टीचर का लेक्चर उठा के देखोगे, बिल्कुल देखोगे भाई वहां पे सर ने क्या बोला था, क्या सर ने किस तरीके से पढ़ाया है मुझे, पॉइंट समझ में आया। फिर भी क्योंकि पता है क्या, आपको बताता हूं लाइव लेक्चर आपने जब लिया ना तो वो उसकी जो रिकॉर्डिंग है आपको मिल जाएगी यहां पे, और ये रिकॉर्डिंग अनलिमिटेड टाइम वॉच कर सकते हो, 100 बार 200 बार जितने मर्जी बार आप देख सकते हो, डाउट्स जितने मर्जी आए खोल के वीडियो खोल लो। अब दिक्कत यहां पे ये आती है कि हाँ टीचर का भी मुझे पता लग गया लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बुक में देखा है मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आपके पास कौन है, मेंटोर है भाई, पूछो इससे, इसीलिए तो आपके पास रखा है ये मेंटोर, ये टीचर फैकल्टी कोई भी है आपके पास ये मेंटोर रखा गया है। प्रीलिम्स मेंस मैंने कहा ना कि कुछ भी कॉन्सेप्ट कुछ भी डाउट है आप इनसे पूछो, पॉइंट समझ में आया, तो आप इनसे पूछो कि हाँ ये सर दिक्कत है ये बताइए हमें पहले। लेकिन थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, वो एफर्ट क्या है कि वीडियो खोल के पहले देखो, ऐसे नहीं है तो देखो कोई भी क्वेश्चन डाल दो मेंटोर को वो तो बता देगा आपको, लेकिन बात ये है कि आप कितने मतलब मोटिवेटेड हैं इस चीज के लिए कि हाँ यार एक बार मैं
थोड़ी सी मैं तो कोशिश करके देखूं, उस लेक्चर में देखूं तो सही, लेकिन अगेन मैं बात बात कर रहा हूं, आपको बार बार बता रहा हूं, आप लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है इस प्रेपरेशन में सबसे ज्यादा की रोल प्ले करेगी। कोई भी चीज है, किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए 70% मोर देन 70% अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 30% जो है दूसरों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक वो चीजें नहीं हो पाएंगी। ओके, तो आपको ये 1-to-1 मेंटोरशिप का मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद ये है कि सर मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूं तो मुझे कैसे पढ़ाया जाएगा, तो ये तो चलो ठीक है, लेकिन यूपी के स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे। यस, यूपी के स्पेसिफिक टॉपिक भी आपको जो है यहां पे फोकस करवाए जाएंगे। तो यहां पे 1-to-1 मेंटोरशिप के बाद आपको मिलता है स्पेशल जो है फोकस ऑन द यूपी स्पेसिफिक टॉपिक। उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक टॉपिक क्लाइमेट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एनीथिंग, वो आपको यहां पे पढ़ाए जाएंगे। अगेन लेक्चर, पीडीएफ, नोट, सब कुछ आपको मिलेगा। अब यहां पे आपको डेली होमवर्क मिलेगा, जैसे मैंने बताया था हर लेक्चर के बाद आपको एक आंसर राइटिंग लिखने के लिए बोला जाएगा कि आप लिख के लेके आओ। अगेन टीचर है आपके सामने, दिक्कत आई मेंटोर है आपके सामने, इतनी चीजें हमने प्रोवाइड कर रखी हैं आप लोगों को कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी प्रेपरेशन में। हमारे प्रीलिम्स के लिए नोट्स बन गए, मेंस के सर ने पीडीएफ दे दी, लेक्चर हमें मिल गया समझने के लिए, कुछ दिक्कत आई मेंटोर हमें मिल गया, और अगेन मेरे तो यूपी के स्पेसिफिक टॉपिक्स भी करवाए जा रहे हैं, सब कुछ आपका हो रहा है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपसे करवाई जा रही है। अब उसके बाद यह है कि आपको करंट अफेयर्स में दिक्कत आएगी तो वीकली करंट अफेयर सेशंस भी यहां पे देखने को आपको मिलेंगे, तो वीकली करंट अफेयर सेशंस भी होंगे। अब जब आपका, लेट सपोज मैंने आपको बताया कि अगर आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का एक एग्जांपल लिया था, उसमें एक आंसर लिखने के लिए मैंने बोला, ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में हो सकता है कि उस टीचर ने रॉक्स को इंक्लूड कर लिया हो, माउंटेन्स के टॉपिक को इंक्लूड कर लिया हो सकता है कि 3-4 टॉपिक्स को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में आपको बता दिया हो कि यार ये चीजें हैं, तो हम ये 4 चीजें मॉड्यूल में बना के पढ़ेंगे। मॉड्यूल का मतलब ये होता है, आप लोगों ने कोई मॉड्यूल नहीं समझना, आपको ये समझना है कि अगर लेट सपोज इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, जब वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसमें एक टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में 4 टॉपिक्स आते हैं, लेट सपोज 4 टॉपिक आते हैं, तो टीचर ये 4 टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी में ले रहा है, जियोमॉर्फोलॉजी लेक्चर 1, 2, 3, 4 और आपको पढ़ा देगा। अब जियोमॉर्फोलॉजी का जब आपका पूरा वो जो है कवर हो गया, ठीक है, तो लेक्चर के अंदर आपको एक रोज आंसर राइटिंग के लिए मिल रहा है। प्रीलिम्स कैसे तैयार होगा, जब जियोमॉर्फोलॉजी का एक मॉड्यूल खत्म हो जाएगा टीचर की तरफ से, तो आपसे वो टेस्ट लिया जाएगा प्रीलिम्स बेस्ड, तो यहां पे आपका मॉड्यूल बेस्ड जो है आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। पॉइंट समझ में आया, मॉड्यूल बेस्ड जो है चीजों का आपका टेस्ट भी लिया जाएगा यहां पे, ये ठीक है, मॉड्यूल बेस्ड चीजें आपका टेस्ट लिया जाएगा, एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों इंक्लूड होंगे उसमें। जो डेली आंसर कर रहे हो वो तो है ही है, एमसीक्यूज आपसे टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा, भाई अब इसका आंसर लिख के बताओ, ये चीजें होगी आपके क्लियर। अब अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, अब लेट सपोज आपकी डेट अनाउंस होगी किसी एग्जाम, मतलब यूपीपीसीएस एग्जाम की, कि हाँ आज से 3 महीने बाद जो है एग्जाम है, तो तुरंत हम आपका फोकस करवाएंगे हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की तरफ, आपको कोई अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है। तो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको अलग से एक टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अलग अलग सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, और एक कंबाइंड फॉर्म में भी टेस्ट होंगे जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा इकट्ठा पूछा जाएगा आपसे, तो इस तरीके की चीजें भी इंक्लूडेड हैं यहां पे। और दूसरी बात यह है कि सर मैं, हमारे उसमें तो सीसेट भी आता है, तो सीसेट की तरफ ध्यान दिया जाएगा, यस सीसेट की तरफ भी आपको ध्यान दिया जाएगा, और प्लस आपको बुक्स भी मिलेंगी यहां पे जो उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। पॉइंट समझ में आया, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। देखो अब देखो जी, आपको प्रीलिम्स मिल गया, मेंस के नोट्स मिल गए, डेली टेस्ट हो रहे हैं, मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, टीचर मिल रहा है, लेक्चर मिल रहा है, अनलिमिटेड लाइव लेक्चर्स मिल रहा है, और आपको मेंटोरशिप मिल रही है 24 घंटे 7 दिन, तो इट मींस आपकी कोई भी दिक्कत होगी आपकी सॉल्व होगी। सी सेट मिल रहा है, यूपी स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो और क्या चाहिए, और हमें सिर्फ करना है पढ़ना है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो तैयारी, आई मीन सिलेक्शन नहीं होगी, सिर्फ आपको मोटिवेट रहना है और पढ़ना है। अब बात आती है, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, सर इंटरव्यू, सर मोटिवेशन, सर मोटिवेशन में, इंटरव्यू में आपको कौन हेल्प करने वाले हैं, ये हमारे लोग हैं, ये है ग्रुप मेंटोरशिप, ग्रुप मेंटोरशिप, ये ग्रुप मेंटोरशिप है, इसमें ये ऐसे जो है टीचर्स हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी का कोई एग्जाम होगा, ठीक है ना, यूपीएससी का
जिन्होंने 6-6 बार इंटरव्यूज दे रखे हैं, पीसीएस एग्जाम्स कभी ना कभी क्लियर कर रखे हैं, ठीक है, कोई मेंस क्लियर करके बैठा है, कोई प्रीलिम्स क्लियर करके बैठा है, अनलिमिटेड टाइम क्लियर करके बैठा है, अनलिमिटेड टाइम जब जितने एग्जाम उसने दिए हैं, ठीक है। तो ये जो है हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, यहाँ पे पीसीएस ऑफिसर्स आईएएस ऑफिसर्स भी आएंगे, आपके साथ बात करेंगे और आपसे क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आपका जवाब देंगे, प्लस वो आपको अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि हाँ मैंने गलतियां कहां पे करी हैं, मैं इसको कैसे इंप्रूव किया, किस तरीके से चीजें मैंने आगे लेके गया, तो ये सब चीजें यहां पे करवाई जाएंगी आपको, ओके। और हर जो आपकी क्लास है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो भी है, पूरा का पूरा शेड्यूल आपको ऑलरेडी डे वन पे ही मिल जाएगा। कब से क्लासेस स्टार्ट है? 18 अगस्त से स्टार्ट है, तो ये सारा शेड्यूल आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जी, इस एथिक्स के ऊपर, सीसेट के ऊपर, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल जस्टिस, इन चीजों के ऊपर भी आपका फोकस किया जाएगा और वीकली करंट अफेयर क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करी जाएंगी यहाँ पे, क्लियर। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि सर हमें इन बैचेस को ज्वाइन कहां से करना है, हम इस बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट खोल लेनी है। मान के चलो कि आपने स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट खोल ली, ठीक है, वेबसाइट खोल ली, तो आपको करना क्या है, जैसे ही वेबसाइट खोलोगे ना studyiq.com, तो यहां पे आना, स्टेट पीसीएस एक्सप्लोर कोर्सेज पे जाना, एक्सप्लोर कोर्सेज में जाके स्टेट पीसीएस लाइव में जाना, और यहां पे पहला आपको दिखेगा यूपीपीसीएस प्री प्लस मेंस बैच, क्लियर, इसको क्लिक करना। और अगर आपको फिर भी मेरी किसी बात पे डाउट होगा ना, तो यहाँ पे व्यू पीडीएफ है, व्यू पीडीएफ दिख रहा है आप लोगों को, इसको क्लिक कर लेना। इसको जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको सारा कुछ ये खोल के आ जाएगा, तो आपको कोई भी डाउट है, किसी भी चीज का डाउट है, तो आप यहां से पता कर सकते हैं, क्लियर हो गया तुम लोगों को। तो ये बैच आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब यहां पे बात ये है कि चलो जी यूपीपीसीएस का ठीक है सर मैं बाय कर रहा हूं, अब करना क्या है, अब आपको यहां पे बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिटेल्स पूछी जाएगी, नंबर, आपका एड्रेस वगैरह, क्योंकि वो बुक्स भेजनी होती है ना, आपको बुक्स भी भेजी जाएंगी यहाँ पे आपको घर पे, तो वो बुक्स भेजेंगे आपको, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करना और प्लस यहाँ पे आपको कोड लगा लेना है वीआईपी लाइव, समझ में आया, ये वीआईपी लाइव कूपन कोड आप लगा लेना, जिसमें आपको ये जो कोर्स है 15,999 की जगह के ऊपर 11,999 में मिलेगा। लेकिन ये कोर्स, ये कोड तो वैलिड रहेगा, लेकिन ये डिस्काउंटेड प्राइस जो है 15th of August तक जो है वैलिड रहेगी, 15 अगस्त तक ये वैलिड रहेगी। तो आप जल्दी से जल्दी जाएं, प्रेपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए और 15 से पहले एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि इसकी प्राइस सबसे लोएस्ट है इस टाइम पे। हमारी स्टडी आईक्यू के ऊपर इंडिपेंडेंस डे जो सेल होती है, जिसमें हमारा ध्यान यही होता है कि सब बच्चों को जो है सबसे कम दाम पे आपको जो है कोर्स मिले, और ये 11,999 आपको 2 सालों के लिए वैलिड है। कहने का मतलब ये कोर्स, ये मेंटोर, ये सब चीजें आप 2 सालों तक देख सकते हो, ये सब चीजें, लेक्चर्स, पीडीएफ, डाउन, ये जितना भी चीजें होंगी आपको, आप 2 साल तक, क्योंकि 6-7 महीने तो प्रेपरेशन में निकल जाएंगे, उसके बाद असली तैयारी स्टार्ट होती है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, तब तैयारी स्टार्ट होती है असली वाली, तब हमें पता लगता है, तब हमें डाउट्स निकलते हैं असली। तो अगर मैं कहूं कि मैं 1 साल की वैलिडिटी दे दूं आप लोगों को और ये प्राइस ले लूं 11,999 रुपए ले लूं, ठीक है, तो मैं यार क्या कर रहा हूं आपके साथ। 8 महीने पढ़ाई करी और 4 महीने में नहीं पढ़ पाओगे आप लोग, ऑब्वियसली बात है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तो आपको प्रैक्टिस के लिए लगेंगे, फिर आपने क्या करेंगे, आप मॉक टेस्ट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खुद से भी करेंगे, ऑब्वियसली बात है। जब आप खुद से करेंगे ना, अगेन डाउट्स तो डाउट्स पे डाउट्स आएंगे ही आएंगे, तो अगेन आपके लिए, इसीलिए हमने 2 सालों के लिए ये कोर्स आपको वैलिड किया है कि आप 2 सालों तक जितना मर्जी बार इसको देख सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम वॉच कर सकते हैं, क्लियर। सो ये है हमारी स्ट्रेटजी प्रेपरेशन करवाने की और आपकी करने की। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप इस बैच में ज्वाइन कीजिए और आप इन चीजों के ऊपर ध्यान रखिए, और हम इन चीजों की तरफ ध्यान देने वाले हैं। तो बस जब तुम साथ हो, हम साथ हैं, तो बस क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, तो बस पढ़िए यार, ठीक है, मैं आपको यही कहूंगा, और यूपीपीसीएस एग्जाम को फोड़ते ही इकट्ठा, ओके। सो टेक केयर गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।